First phase. What are requirement? Of crop. एक्टिवेट झाला सर. जस्ट स्टार्ट. ओके गाइस, तो ये रूट है, ये क्रॉप का रूट है. अब ये क्रॉप के रूट तक मेरा वाटर जाने को रहा और मेरा वाटर टेबल कुछ यहां पे मेरा वाटर टेबल है. देयर इज नो वाटर टेबल गाइस. ओके, तो ये वाटर टेबल है, तो वाटर टेबल के ऊपर ही मेरा क्रॉप है. यानी मेरे क्रॉप के लिए क्या वाटर होना, मुझे वाटर होना सैचुरेटेड वाटर और वहां पे मॉइस्चर रहने को. ओके, दो रिक्वायरमेंट होना, सैचुरेटेड वाटर भी होना और मॉइस्चर वहां पे रहने को होना. ओके, मॉइस्चर रहने को होना. सो देखो क्या क्या जोन है. सबसे पहले देखिए, that are the soil particles guys. इससे भी बहुत छोटे रैंक में बहुत बड़े बना रहा. These are the soil particles. और यहां पे जो ये रेड वन है, ये वॉटर यहां पे क्या है, सैचुरेशन कंडीशन में स्टोर्ड है. और कई कई जगह कैपिलरी है, कई कई जगह फुली सैचुरेटेड है, तो कई कई जगह आपका कैपिलरी पोर्शन है. बट जनरली अपन जब वाटर टेबल यहां पे है तो फुली सैचुरेटेड बोल ही नहीं सकते. अपन क्या बोल सकते हैं, कैपिलरी रीजन बोल सकते. सॉइल पार्टिकल ज्यादा है और मेरे जो वाटर है, वाटर इन कैपिलरी ज्यादा है. यानी वाटर इन कैपिलरी मेरा ये जो कैपिलरी वाटर है, ये क्या रहेगा मेरा, ये कैपिलरी रहेगा, कैपिलरी वाटर रहेगा. ये मैं यहां तक बना सकता. इसके नीचे भी सॉइल रहेगा लेकिन वाटर टेबल यहां तक. नीचे भी सॉइल है ही, वाटर टेबल यहां तक. ओके, तो ये कैपिलरी जा रहा, कैपिलरी फिर जा रहा वाटर.
जारा मीन्स क्या, यहाँ से अपन जो भी पोर कर रहे हैं वो धीरे 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 वाटर टेबल को मिल रहा और मैक्सिमम वाटर होल्ड कर रहा। कौन सॉइल होल्ड कर, सॉइल होल्ड करेगा मैक्सिमम वाटर। ओके, बहुत बहुत बारीक दिख रहा होगा आपको, कचरा दिख रहा होगा, उसी तरह का कचरा रहता सॉइल है। ओके, दिस इज सॉइल गाइस, दिस इज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर आपका क्या है, आपका कोई जो भी क्रॉप लगा है वो क्रॉप के रूट से ही, रूट एंड तक है, उसकी रूट एंड तक ये डप्त है, डी डी डप्त है, डी डप्त क्या है, रूट का डी डप्त है। ओके, रूट का डी डप्त है। ओके, सो रूट का डी डप्त है। सो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले यहां से यहां तक का जो भी वाटर रहेगा मेरा, यहां पे मैं वाटर अप्लाई कर रहा, वाटर अप्लाई कर रहा, तो यहां से यहां तक जो वाटर रहेगा मेरा, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर, दैट इज गाइस, ग्रेविटेशनल वाटर। नाउ दिस इज सैचुरेशन कैपेसिटी एससी, सैचुरेशन कैपेसिटी इज नथिंग बट अ फील्ड कैपेसिटी एफसी। आफ्टर द फील्ड कैपेसिटी here is one OM is nothing but optimum moisture here is permanent wilting point के नीचे, इसके थोड़ा जस्ट नीचे रहेगा, दिस इज अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट एंड इसके नीचे अप टू, ये आप बोल सकते हैं नीचे जाएगा टोटली सॉलिड्स। यानी इसके नीचे, ये जोन के नीचे इसको वाटर नहीं मिलने वाला, जितना भी वाटर होगा ये जोन के ऊपर अगर मेरा पानी रहेगा तो ही मिलेगा। थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर से दैट इज परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। That is ultimate waiting point. देखो, that is gravitational water, okay? अब यहां से लेके परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक दिस इज अवेलेबल वाटर गाइस, अवेलेबल वाटर, और यहां से लेके यहां तक दैट इज अनअवेलेबल वाटर, अन अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर
unavailable water for what? For crop. Available water for what? For crop. मैं सिर्फ और सिर्फ crop के लिए देख रहा हूँ. Okay. For crop. Gravitational water for what? Crop. Okay. वो भी आपको gravitational water आपका कोई नाता नहीं है crop के लिए. क्यों? Roots ही आपकी gravitational इसके यानी free capacity के नीचे से ही roots मेरे चालू हो. यानी crop के roots चालू हो. तो gravitational water will be suspension water just for a crop. Okay. So अब यहाँ पे सॉलिड्स सॉलिड्स के नीचे यानी परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट के नीचे अगर पानी रहेगा तो वो मेरे क्रॉप को कोई काम का नहीं है. इफ दिस इज कैपिलरी राइज यहाँ तक भी हो रहा लेकिन रूट ही मेरे यहाँ तक है तो मेरे क्रॉप के लिए वो पानी मिल ही नहीं रहा, वो वाटर मिल ही नहीं रहा. ओके ओके सो दैट्स व्हाई आपका जो भी अवेलेबल वाटर है वो अवेलेबल वाटर आपका कहां से कहां तक रहेगा? फिल्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक रहेगा. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दैट इज नथिंग बट अवेलेबल वाटर. अवेलेबल वाटर फॉर क्रॉप. नेक्स्ट रेडीली अवेलेबल यानी हरदम अवेलेबल रहेगा वो कौन सा है? हरदम अवेलेबल रहेगा दैट इज नथिंग बट दिस रेडीली अवेलेबल. रेड नहीं दिख रहा हूँ आपको, ब्लू में लिखता हूँ. रेडीली अवेलेबल वाटर और easily available water. Readily available water or easily available water. Okay, readily available water or easily available water. Saturation capacity आपकी क्या देख रहेगी? Percentage में देख रहेगी guys. That is saturation capacity is nothing but a saturated level. So वो आप percentage में देख रहे हैं. बाकी saturation capacity इसकी कितनी है? Saturation capacity इसकी कितनी है? So देखो, मैं फिर बता रहा हूँ. ये डब्बा की water मेरा काम का है. तो ये डब्बा water मेरा काम का है यानी अभी मैंने इरिगेट किया, इरिगेट के बाद मेरा वाटर यानी मैंने इरिगेट किया दो आवर्स के लिए इरिगेट करने के बाद मेरा वाटर पहले ग्रेविटेशनल वाटर में आया और फिर यहाँ तक फिल हो गया यानी यहाँ तक चले गए. ओके तो पोरस मेरा पहले यहाँ तक पोरस हो गया दो घंटे मैंने इरिगेट किया. इरिगेट करने के बाद पहले ग्रेविटेशनल में आ गया. ग्रेविटेशन में आने के बाद धीरे धीरे पोरस हो गया और 4 घंटे बाद में देखा 4 आवर्स बाद तो यहाँ पे वाटर नहीं है मेरा, यहाँ पे भी वाटर नहीं है, यहाँ पे भी वाटर नहीं है, मेरा डायरेक्टली यहाँ पर होगा. तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप को कितने आवर्स वाटर मिला? सिर्फ और सिर्फ 4 आवर्स वाटर मिला. लेकिन उसको उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल हुए क्या? नहीं हुए. उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए उसको डेली वाटर मिलने को ना कहां से कहां तक? परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट टू फिल्ड कैपेसिटी तक. परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट टू फिल्ड कैपेसिटी. अब ये किसने डिसाइड किया है कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट एंड फिल्ड कैपेसिटी? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आल्सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों ने डिसाइड किया. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों ने सीधे सीधा ये बताया है कि आपके जो ये रहेंगे यानी फील्ड कैपेसिटी कहां से रहेगी? जहां से आपका रूट चालू हो रहा, जहां से आपका क्या चालू हो रहा गाइस? रूट चालू हो रहा. तो वहां से फील्ड कैपेसिटी रहेगी अप टू द व्हाट फील्ड कैपेसिटी? यहां से फील्ड कैपेसिटी चालू हो जाएंगी, आपके फील्ड की कैपेसिटी चालू हो जाएंगी. ऊपर का आपका सस्पेंशन में रहेगा क्योंकि ग्राउंड अंडुलेशंस पर रहता है इसलिए. तो यहां से जनरली रूट्स आपके क्रॉप के चालू होंगे और रूट्स मेरे परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक मैं रूट पकड़ूंगा. तो हर एक क्रॉप के लिए परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट आपकी जो डेप्थ रहेगी वो अलग अलग होगी. तो क्या होगी? अलग अलग होगी. तो अभी आपको डेप्थ निकालना है. तो डेप्थ तो मैंने ग्राउंड से लिखा है, ऑब्वियसली मैंने ग्राउंड से लिखा है. डेप्थ मेरी कैसे रहेंगी? ग्राउंड से ही रहेगी. सो मेरी डेप्थ ग्राउंड से रहेंगी तो मेरी डेप्थ क्या रहेगी?
मेरा फिल कैपेसिटी पे कितना वाटर कंटेंट और कितना सैचुरेशन कंटेंट रहेगा। ऑब्वियसली आप अगर बोलेंगे अभी यहाँ पे मैं पानी दिखा रहा, यहाँ पे सॉइल है क्या? सॉइल है, सॉइल ही होल्ड करके रख रहा हो, सॉइल ही क्या करके रख रहा, होल्ड करके रख रहा। तो सॉइल अगर मेरा कुछ 100% है तो उसमें 20% 30% मेरा सैचुरेशन वाटर, सॉइल में 20-30% सैचुरेशन मेरा वाटर। तो ओवर 20-30% सैचुरेशन ऑफ वाटर मेरा कहाँ तक है? मेरा सैचुरेशन लेवल तक है, मेरा फिल्ड लेवल तक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल तक है, या फिर परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट तक है, या फिर अल्टीमेट फिल्टिंग पॉइंट तक है, यही आपको फाइंड आउट करना। जब भी मेरा वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक जाएगा मैं फिर से इरिगेट कर दूंगा, यानी मैं इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये सीखा, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं ये सीखा कि मैं मेरा जब भी वाटर अप टू द अल्टीमेट फिल्टिंग पॉइंट या फिर परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट तक चले जाएगा। अल्टीमेट फिल्टिंग पॉइंट से आपको अलार्म लगाना पड़ेगा, और परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट पे चले गया तो आपको कुछ उत्तर डालना पड़ेगा। अगर अल्टीमेट फिल्टिंग पॉइंट पे चले गया तो झाड़ थोड़ा सूखेगा, मरेगा नहीं, सूख के अगर आपने अल्टीमेट फिल्टिंग पॉइंट तक उसको पानी, यानी अल्टीमेट फिल्टिंग पॉइंट तक अगर आपका वाटर चले गया, यानी यहाँ पे इधर आपका ड्राई है, सूखा है, तो ऑब्वियसली आपका जो भी क्रॉप है वो क्रॉप जिंदा रहेगा बट इन अ सस्टेंड टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए, बाद में वो मरेंगे। बाद में आप जब भी पानी डालेंगे तो मर गए। आप देखो आपने अगर एक खाली कुंडी में अगर क्रॉप लगाया है और उसको आपने 2 से 3 दिन पानी नहीं डाला, सपोज सो 2 से 3 दिन पानी अगर आपने नहीं डाला तो उसके बाद वो क्या होता, सूख जाता। सूखने के बाद आप कितना भी पानी डालो वो पानी नहीं लेगा, क्योंकि उसमें जान तो पहले से छोड़ दिए, तो फिर से तो वो री अपना प्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन वो करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड है, जनरली नहीं करता। तो इसलिए आपको पानी कब डालना था उसको, जब आप परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट तक आप चले गए तभी उसको पानी डालना। परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट इट इज द लास्ट पॉइंट, परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट तक आपका अगर पानी चले गया, यानी यहां से यहां तक आपके लिए अलार्म है, क्या के लिए? इरिगेट करने के लिए, क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, कहां से कहां तक? मॉइस्चर, ऑप्टिमम मॉइस्चर टू परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट। अब सर ये ऑप्टिमम मॉइस्चर एंड परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे? यस एग्जैक्टली दिस इज द क्वेश्चन, ऑप्टिमम मॉइस्चर पॉइंट एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट ये निकालेंगे कैसे, ये पता कैसे चलेगा? अपन हर हर वक्त तो ये नहीं कर सकते, यानी सॉइल सैंपल नहीं ले सकते, सॉइल सैंपल लेके तो नहीं कर सकते, नहीं, सॉइल सैंपल आपको लेना पड़ेगा, सॉइल सैंपल आपको लेके टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, ये मुझे मेरा जो फ्रिक्वेंसी रहने को ना, ये पर्टिकुलर सॉइल के लिए ये इतनी रहने को, ये पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, पर्टिकुलर सॉइल एंड पर्टिकुलर क्रॉप दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि आप क्रॉप पे भी वो डिपेंड है कि उसकी डेप्थ कितनी है और उसका उसको ये कितना लग रहा है, ड्यूटी कितना लग रहा, वो भी उस पे डिपेंड है। अब ड्यूटी डेल्टा ये क्या रहेगा, ये थोड़ा सामने जाके हम देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये समझिएगा डायग्राम, डायग्राम समझिएगा गाइस, डायग्राम में कोई डाउट, इफ इज एनी डाउट नो डाउट देन डोंट आस्क, सी यू। Again, draw the same diagram. Let's see. Let's see. That is OM. That is permanent filtering point. That is ultimate breaking point. And the next ready solid. So aapka jo y hai, permanent breaking point of aapka ek y hai guys. Y, यानी मैं इधर निकलता बेटर रहेगा, दैट इज Y और दैट इज रेडीली अवेलेबल, दैट इज डी डब्ल्यू।
यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये रेडीली अवेलेबल को अवेलेबल के टाइप को आप BW बोल सकते हैं डायरेक्ट। ओके सो अगेन again I draw the same diagram. Solid. और यहां से मैं एक कुछ तो भी x पे मेरा एक ऑर्डर एंटर करूं, वो मुझे निकालना है वॉटर लेवल इन परसेंटेज। तो यहां से यहां तक मेरा डक कर ऐसा तक मेरे डेप्थ। सो देखो गाइस टोटल डेप्थ आपके डेप्थ के लिए आपको निकालना, सो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इक्वालेंट equivalent depth of water, equivalent depth of water corresponding to water contained of W. So W is equal to guys एरिया इंटू एक्स इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय एरिया इंटू डी इंटू गामा डब्ल्यू। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। आप बोलेंगे सर वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड यहां से आता है वाटर कंटेंट है, ये सॉलिड है यहां से आता क्या है वाटर कंटेंट है। ये डायग्राम क्लियर देख रहे हैं हम, तो यहां से आगे आपका x तक क्या है वाटर कंटेंट। तो ये वाटर कंटेंट के लिए आपका एरिया तो सेम है गाइस, यहां पे जो भी आप एरिया ले रहे हैं ए इज सेम ए इनटू x इज दिस वॉल्यूम ए इनटू x इज दिस वॉल्यूम एंड दिस गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके गामा डी इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड और गामा एस भी बोल सकते हैं लेकिन मैं सॉलिड बोलता हूं। गामा एस के लिए क्या होगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो ड्राई डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डेंसिटी क्या रहता है आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का रहता है, volume it is in meter cube, so get cancel, yani ye kya ho gaya weight of water and ye kya ho gaya weight of soil, so wo aapka kya ho jayega weight of water to the weight of soil is nothing but water content, to ye a cancel ho gaya to bacha kya guys bacha sirf aur sirf water content it is equals to W is equals to x by d into 1 divided by s. अब आप बोलोगे सर s कैसे लिखा आपने? S it is specific gravity. और आप g भी लिख सकते हैं. Specific gravity is equals to what gamma d by gm बोल सकते हैं g apparent specific gravity gamma d. okay s or gm is nothing but specific gravity, specific gravity is equals to gamma d by gamma d. तो gamma
डी डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, तो गामा डब्ल्यू का नीचे लेके आया तो ये क्या हो गया एस ओ ओके एस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसा एस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. नेक्स्ट कैन आई डिस गाइस लिख लिया आपने? हाँ सर. ओके सर वो सेकंड डायग्राम में सर वी बाय क्या है सर वो सेकंड डायग्राम? सेकंड डायग्राम ये वाली. हाँ सर उसमें वी बार है क्या वो? वी बार नहीं है, दैट इज आवर वाटर कंटेंट मीनिंग, यानी याद यहां तक आपको वाटर कंटेंट है, वाटर लेवल है, वाटर लेवल, वाटर लेवल ला देते ना अपन ट्रायंगल ये है. ओके नेक्स्ट. सो अभी यहां से x क्या हो जाएगा आपका, आपका अगर x निकालना है तो गाइस x निकालना है तो क्या हो जाएगा w into वाटर कंटेंट into d into s. अब आपको वाटर कंटेंट में w में अगर डाउट हो रहा होगा तो आप इसको और क्या ले सकते डब्ल्यू सी ले सकते, यानी आपका वाटर कंटेंट दैट इज नथिंग बट और डब्ल्यू सी. तो मैं यहां पे क्या लिख सकता डब्ल्यू भी लिख सकता और एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू सी वाटर कंटेंट इंटू डी इंटू एस, यानी आप यहां पे डब्ल्यू जैसी लिखा है मैंने तो दैट इज नथिंग बट डब्ल्यू सी भी लिख सकते हैं आप वाटर कंटेंट. यानी किसी किसी को डाउट रहता सर डब्ल्यू वेट भी होता वाटर कंटेंट भी आप कैसे क्या बोल सकते, तो मैं दोनों बोल सकता हूँ, मैं डब्ल्यू भी बोल सकता हूँ और मैं डब्ल्यू सी भी बोल सकता हूँ. ओके नेक्स्ट इक्वालेंट डेप्थ ऑफ वाटर corresponding to FC is अब field capacity. field capacity तक चाहिए तो field capacity तक ये क्या है आपका water content है, field capacity तक ये भी आपका water content है. okay ये भी आपका water content है और ये भी आपका water content है, यानी तीन लेवल्स, ये लेवल्स है वाटर लेवल्स. फिल्ड कैपेसिटी तक वाटर रहेगा तो क्या रहेगा वाटर कंटेंट के यानी जो भी आपका जो डेप्थ रहेगा वो क्या रहेगा आपका x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s इनटू d इनटू वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट कौन सा है मेरा अभी फिल्ड कैपेसिटी, वाटर कंटेंट कौन सा है फिल्ड कैपेसिटी. देन इक्विवेलेंट equivalent depth of water corresponding corresponding to permanent melting point x is equals to s into d s into d into permanent melting point that water content permanent melting point for water content OMC के लिए guys readily available that y अगर मुझे y निकालना है available water content and readily available water ये कैसे ये water contents हो गए ये कौन से हो गए water contents हो गए कहाँ से कहाँ तक ये solid से लेके यहाँ तक यानी solid से लेके यहाँ तक मेरा क्या हो गया water content हो गया FC तक. okay that is वाटर कंटेंट. लेकिन मुझे अगर अभी अभी मुझे क्या निकालना है अभी मुझे ये y निकालना है that is available water content यानी ये यहां से आता ओके that is y और ये मुझे यहां से यहां तक that is readily available moisture content. ओके available moisture content and readily available moisture content सबसे पहले क्या निकालते हैं available moisture content.
अवेलेबल वाटर डेप्थ, दैट इज व्हाई. अवेलेबल किसके लिए? क्रॉप के लिए. अवेलेबल किसके लिए? क्रॉप के लिए. सैचुरेटेड डेप्थ यानी एस सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डी इनटू फील्ड कैपेसिटी माइनस पी डब्ल्यू पी. फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी का जो भी वाटर कंटेंट रहेगा वो वाटर कंटेंट उसमें से PWP का वाटर कंटेंट मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना वाटर कंटेंट मिल जाएगा. ये वाला वाटर कंटेंट, ओके, ये वाला वाटर कंटेंट इनटू इनटू डी इनटू एस, दैट इज नथिंग बट अ वाई. वाई क्यों? क्योंकि आपके ये एक्स के टर्म में ही है, एक्स डब के टर्म में ही है, तो एक्स को मैं वाई के टर्म में डब में मैं लिख सकता, ओके, मैं लिख सकता, तो दैट इज माई वाई. ओके, दैट इज माई अवेलेबल वाटर डेप्थ. अवेलेबल वाटर डेप्थ ये किस तरह निकाली? तो अभी यहाँ पे आपने देखा फॉर्मेशन, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड. बाद में यहाँ पे एरिया एरिया कैंसिल हो गया. वेट ऑफ वाटर इज नथिंग बट अ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम में का एरिया एरिया कैंसिल, एक्स बाय डी रहा सिर्फ और सिर्फ. सो ये एक्स बाय डी के बाद ये जो है गामा डब्ल्यू बाय गामा डी यानी गामा डी बाय गामा डब्ल्यू हो गया, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, देन वाटर कंटेंट इनटू डी इनटू एस इज इक्वल टू एक्स. ये एक्स जो ये डेप्थ है एक्स, ये मैंने डिराइव कर लिया एट अ डेप्थ के लिए. देन एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू सी वाटर कंटेंट इनटू डी इनटू एस. अब डब्ल्यू इज इक्वल टू वाटर कंटेंट, आपको अगर कंफ्यूज कर रहा वेट और वाटर कंटेंट में तो आप वाटर कंटेंट लिख सकते हो. नेक्स्ट, इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर करेस्पॉन्डिंग टू द एक्स इज x is equals to s into d into fc, x into d into fc guys, and equivalent depth of water corresponding to pwp is equals to kaha tak pwp tha permanent building point tak. permanent building point tak aapka kya ho gaya s into d into permanent building point. usi tarah isme se agar main ye nikal leta sd yani main permanent building point mein फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट फील्डिंग पॉइंट निकाल लेता तो मेरा वाई वाई डेप्थ निकल जाता, दैट इज माय रेडीली अवेलेबल सॉरी अवेलेबल वाटर कंटेंट, अवेलेबल वाटर कंटेंट. नेक्स्ट, आई एम कैलकुलेटिंग रेडीली अवेलेबल वाटर कंटेंट. रेडीली अवेलेबल water depth dw s into d into fc minus om dw is equal to 75 percentile to 85 percentile. Okay. DW यानि क्या तक readily available. Readily available तक water content. Readily available तक water content मेरा क्या है? DW is equals to S into D. FC minus OM. और ये आपके y का 75 to 80% ही रहेगा. आपका अलार्म बच जाएगा जब भी आपका वाटर कंटेंट कहां तक है रेडीली अवेलेबल, तब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा काय के लिए? इरिगेट करने के लिए. क्या इरिगेट करने के लिए? सॉइल इरिगेट करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट CU इज इक्वल टू consumptive use rate centimeter per day generally or unnumbered. अब आप बोलोगे ये क्या है? सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर वाटर आपने अप्लाई किया आपके फील्ड में यानी आपके खेत में,
तो खेत में आपने अप्लाई किया तो सेंटीमीटर पर डे आपने वाटर अप्लाई किया या फिर एमएम पर डे में आपने वाटर अप्लाई किया, दैट इज कंजम्पटिव यूज रेट। ओके नेक्स्ट एफ, ये हम सब कुछ इसके लिए निकालना है, फ्रीक्वेंसी के लिए निकाल, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। कैन आई रेज दिस गाइस अगेन? समझा या ऊपर से जा रहा? ऊपर से तो नहीं जाने को, इजी है। बोलो वॉटर कंटेंट चा सिंबॉल ट्रायंगल का बरं असतो? ट्रायंगल का बरं असतो, ते लेवल देतात, ते सिंबॉल नाही आहे वॉटर कंटेंटचा, ही लेवल लेवल दिलेली आहे ट्रायंगलला, म्हणजे ट्रायंगल आपण असं एक लेवल शो करतो ना आपण ट्रायंगल, असं आपण करू शकतो किंवा असं आपण करू शकतो। पण सर काही रिझन असेल ना, कारण ते इंटरव्ह्यू मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे। अच्छा वॉटर कंटेंटचा तोच कावर असतो, कावर असतो। मला गोष्ट सांग, जेव्हा तू हे पण लिहिते म्हणजे तुम्ही याचे पण नाही बघितलेले आहे का, काय म्हणतो आपण तुला याचे लेबल्स आपल्या कशाचे वॉटर टँकचे लेबल्स किंवा आपल्या घराचे लेबल्सचे बघितलेले आहे, ते नाही बघितले का तू? ग्राउंड लेवल आपण हे कावर देते ना, ग्राउंड लेवल आहे पहा असा देते तू आणि ग्राउंड लेवल देते त्याच्यानंतर मग तू स्लॅब लेवल देते प्लस जी की पॉइंट हे बघ हे लेवलच साईन आहे, हे कशाचं साईन आहे लेवल, लेवलच्या खाली जर मी वॉटर काढू किंवा असं वॉटर काढू तर हे वॉटरचं साईन आहे, कळलं का? डिपेंड होता जैसे कि मेरा सपोज सपोज मैप दैट इज प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल इट इज 0.6 मीटर, प्लिंथ लेवल इट इज 0.6 मीटर, बट दिस लेवल ये क्या है आपकी लेवल है, तो आप लेवल के लिए शो करते ट्रायंगल, लेवल के लिए शो करते ट्रायंगल, लेवल के नीचे अगर आपका वाटर दिखाना है तो दैट टाइप ऑफ वाटर, दैट टाइप ऑफ वाटर यू कैन शो इट। ओके एंड ट्रायंगल ही उल्टा ट्रायंगल ही क्यों निकालते लेवल के नीचे, तो उसका रीजन तो यानी साइकोलॉजिकल है, आप अगर बोले भी कि उसका पर्टिकुलर रीजन ही ये है तो यही बताओ करके इंटरव्यू में पूछा होगा, एमपीएससी में ही पूछ सकते, पीएससी में नहीं पूछ सकते ऐसे क्वेश्चन, एमपीएससी वाले ही पूछ सकते, ठीक है? सो ये पर्टिकुलर रीजन इसका ये है कि आपको साइकोलॉजिकली डायरेक्टली पता चला दैट इज लेवल, दैट इज लेवल। ओके इसका कोई पर्टिकुलर रीजन आपका ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर ट्रायंगल नहीं निकाला तो लेवल नहीं रहेगा, आपको ट्रायंगल निकाला आपको हर जगह ट्रायंगल दिखता करके आप ट्रायंगल निकालते, कोई दूसरा साइन अगर आप स्क्वायर वगैरह भी निकाल सकते वगैरह वगैरह ऐसी बात नहीं, स्क्वायर वगैरह आप नहीं निकाल सकते, जब आप लंबॉप आपका पकड़ते तब आप कैलकुलेट करते लंबॉप आप जब तक का लेते तो वो भी क्या रहता आपका ट्रायंगल रहता, और ट्रायंगल क्या शो करता ग्रेविटी शो करता, आपका स्ट्रेट ग्रेविटी शो करता, स्ट्रेट लाइन शो करता। एफटी सर्वे के वे से अगर आप थिंक करें तो सर्वे में इसका आंसर है, सर्वे में इसका आंसर है एक्चुअली। ओके तो सर्वे में इसका आंसर है, सर्वे में आप ये बोल सकते हैं कि जब भी आप लंब ऑफ आपका स्ट्रेट लाइन में पकड़ते स्ट्रेट लाइन में तो वो क्या नोक क्या रहती है उसकी ट्रायंगल नोक रहती है और वो एग्जैक्ट देता, एग्जैक्ट नोक देता, तो इसीलिए वो लंब ऑफ से ही साइकोलॉजिकल ड्रॉइंग ली गई यहाँ पे दैट ट्रायंगल, और हर जगह ले जाती है, यानी हर जगह ली जाती है काय के लिए लेवल शो करने, लेवल्स नॉट अ वाटर लेवल, वाटर लेवल कब आएंगे जब इसमें ये दो साइंस रहेंगे तब वाटर लेवल आएंगे, बाकी सभी लेवल्स अगर आपको ये लेवल्स होना कौन से लेवल होना, सी लेवल होना, स्लैब लेवल होना, टॉप स्लैब लेवल होना, तो भी आप लेवल्स के लिए यूज कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए नहीं यूज हो,
वॉटर के लिए नहीं यूज होगा। लेवल शो करने के लिए ट्रायंगल, लेवल के नीचे अगर थ्री डॉट्स है देन वॉटर, लेवल के नीचे अगर इस तरह की लाइन है देन वॉटर। गॉट इट? हाँ सर। आता ही क्वेश्चन का आंसर नहीं भेटला सर, साइकोलॉजिकल वे प्रत्येक ठिकाणी साइकोलॉजिकली आपण बघतो, प्लंबा करून घेतलेला आहे की याचा आंसर पर्टिक्युलर आंसर एमपीएससी मध्येच विचारला जाऊ शकते असा क्वेश्चन, त्याच्या व्यतिरिक्त नाही विचारला जाऊ शकत। ठीक आहे। एमपीएससी चे तुझे हे जे आहे तू कुठे ऐकलेला, कुठे विचारलेला? तिथेच विचारलाय सर। पागल राहतो, ताईने सांगितलं होतं मला म्हणून विचारलं। अच्छा अच्छा, तिने काय आन्सर सांगितलं? तिच्या फ्रेंडला विचारलं होतं सर, तिला नाही काय आन्सर नाही आला नाही। हे बघ, इरिगेशन इंजिनिअरिंग जेव्हा आपण शिकतोय, इरिगेशन इंजिनिअरिंग जेव्हा आपण शिकतोय किंवा आपण कोणती पण इंजिनिअरिंग शिकतोय तर आपण एक लेबल्स घेतो, आणि जेव्हा तुम्ही मेन्स क्रॅक करून जाताय तिथे कशामध्ये इंटरव्ह्यू मध्ये, तर ते तुमचं टेक्निकल नॉलेज त्यांना काही घेणं देणार नाही। ऑब्व्हियसली तुम्ही टेक्निकल नॉलेज जेव्हा पास केलं त्याच्यानंतरच तुम्ही त्या मेन्स पर्यंत पोहोचले, ओके, मेन्स तुम्ही क्रॅक केली म्हणजे आपल्या इंटरव्ह्यू मध्ये पोहोचले, ते लॉजिकल रिझनिंग म्हणजे लॉजिकल थिंकिंग वर तुमच्या फोकस करतात की तुम्ही तुमचे काय लॉजिक साठी तुम्ही ऍक्च्युअल केसेस साठी काय करू शकता त्याच्यासाठी तुम्ही प्रिपेअर राहायला पाहिजे, त्याच्यासाठी तुम्ही तुम्हाला अशा टाइपचे क्वेश्चन विचारले जातात, भरपूर टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला हे पण विचारला जाऊ शकते सेम याच्यामध्ये, मी जो सेम टॉपिक शिकवलेला ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मला विचारण्यासाठी क्वेश्चन नाही पडला आतापर्यंत, सर फिल्ड कॅपॅसिटी आणि सॅच्युरेटेड कॅपॅसिटी मध्ये फरक काय पडला का तुम्हाला क्वेश्चन? मी फक्त सांगितलं लेवल लेवल आहे, तुम्हाला क्वेश्चन पडला का? आपण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो फिल्ड कॅपॅसिटी आणि सॅच्युरेटेड कॅपॅसिटी याच्यामध्ये फरक काय, आणि सॅच्युरेटेड कॅपॅसिटी पासून फिल्ड कॅपॅसिटी पर्यंत वॉटर आपण का वर युज करायचं, कोणीच क्वेश्चन नाही केला मी सांगितलंय। तुमच्या मधलंच कोणी सांगू शकते का सांगा, लॉजिकली लॉजिकली प्रकार ज्या गोष्टीचा आपल्याला आन्सर नाही माहिती त्या गोष्टीचा आन्सर आपण लॉजिकली देऊ शकतो, वाय? बिकॉज ऑफ आपण सिव्हिल इंजिनियर आहोत, तुम्ही आता फायनल इयर मध्ये आहात, इट इज इन फायनल इयर, सो जस्ट इसके बाद आपको और दो तीन साल चार पांच साल प्रिपरेशन के लिए नहीं देना, चार साल आपने जो प्रिपरेशन किया इंजीनियरिंग में इट इज इनफ, बस उसको ही लॉजिकली थिंक करके बताओ कि क्या क्यों नहीं यूज करेंगे आप। सर जो फील्ड और जो फील्ड बोले तो मतलब फील्ड के नीचे जो फील्ड से छोड़कर नीचे की डेप्थ तक जो रहेगा वो सैचुरेटेड है, तो थोड़ा सा नीचे फील्ड कैपेसिटी मतलब एंड वी डू नॉट यूज बाय द क्रॉप इज डू नॉट यूज फील्ड टू सैचुरेटेड वाटर कंटेंट, यानी वो जोन के लिए वो क्यों यूज नहीं करता, यहां से लेके यहां तक वो यूज क्यों नहीं करता, यूज क्यों नहीं करता सर? क्योंकि वो सॉइल सॉइल ये हो जाती है मतलब वाटर में रहने की वजह से सॉइल खराब हो जाती है, मतलब ये वाटर होल्ड करना होना सर, हां रूट्स होल्ड करना ते परकोलेट होऊन जाईल लवकर, वाटर रूटला कसं काय भेटणार तुला, वाटर रूटला तर भेटतच कारण की तुझं वॉटर कंटेंट इकडून 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 वॉटर कंटेंट वाढणार आहे ना, पहिले वॉटर तुझा कोर्स मध्ये फील होईल, मी तेच सांगितलं पहिले वॉटर कोर्स मध्ये फील होईल ते मीट होईल तुझ्या वॉटर कंटेंटला किंवा ते मीट होईल एका एका सॉलिड पोर्शनला, तिथून मग तुझं वॉटर कंटेंट वाढत जाईल। सस्पेन्शन पहिले तुझं काय तू अप्लाय केल्यानंतर सस्पेन्शन मध्ये, ओके, अप्लाय केल्यानंतर सस्पेन्शन मध्ये सस्पेन्शन मध्ये आल्यानंतर मग ते वरती 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 जाईल, तर का नाही भेटणार, भेटायला तर पाहिजेच, वाय? सर सॉइल न्यूट्रिएंट्स पण टाकतात ना याला प्लांटला ग्रो करायला,
सॉइलच्या प्रॉपर्टीज पण लागतात. फुल्ली सॅच्युरेटेड जर तुम्ही कराल, फुल्ली सॅच्युरेटेड, ओके, फुल्ली सॅच्युरेटेड जे त्याची कॅपॅसिटी आहे, सॅच्युरेशन कॅपॅसिटी, तिथपर्यंत तुम्ही जर पाणी आणा तर सलायनेशन व्हाईटिश दिसते तुमची सँड, म्हणजे तुमची जे हे आहे काय म्हणतो आपण त्याला सॉइल, ते फक्त काही क्रॉप्सला चालते. कोणत्या क्रॉप्सला चालते जिथे फ्लडिंग मेटर अप्लाय होते, कुठे अप्लाय होते फ्लडिंग मेटर, सॉइल कुठे कुठे अप्लाय होते, जिथे आपण राईस अँड व्हीट, व्हीट अँड अवर राईस जे आपण लेते आणि जिथे तांदूळ घेतो, तांदळाची शेती जी राहत आहे त्याच्यामध्ये फ्लडिंग मेथड अप्लाय करतो, तिथे आपलं सॅच्युरेटेड लेवल पण तुम्हाला कामात पडते. बट त्याच्याच ठिकाणी जर तुम्ही कापूस घ्याल, कॉटन घ्याल, कॉटनला अप्लाय कराल तसं तर कॉटन राहणार की मरणार? मरणार सर, ऑब्व्हियसली. सो इट इज द डिपेंड अपॉन द रूट्स, आपके क्रॉप के रूट्स कहां से स्टार्ट होते हैं वहां पे डिपेंड है. इसीलिए जो ऊपर का जो सॉइल, ऊपर का जो ये है फिल कैपेसिटी टू सैचुरेटेड लेवल टू फिल कैपेसिटी, सैचुरेटेड लेवल टू फिल कैपेसिटी कहां से स्टार्ट होती है? जहां से आपका रूट स्टार्ट होंगे, रूट्स के स्टार्ट होंगे, यानी क्या स्टार्ट हो गया, आपके रूट स्टार्ट होंगे. ये भी बताया था मैंने, मैंने जानबूझ के आपको आपको ऐसे बोला कि मैंने नहीं बताया. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आज आते एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन रहते एग्जाम से नहीं, इंटरव्यू में. आपको कंफ्यूज कर देंगे थोड़ा और आपका लॉजिक पूछेंगे कि क्या लॉजिक है, आप किस तरह आंसर दे सकते, और उस पर आपको मार्किंग रहेगी. 50 मार्क्स का इंटरव्यू का क्वेश्चन, यानी 50 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू रहता, उसमें आपको मिनिममली वो 18 मार्क्स देते, 18 मार्क्स उनको मिनिमम देना ही पड़ता, और मैक्सिममली 30 मार्क्स देता. 30 मार्क्स के ऊपर लेने वाला भगवान ही रहता उनके हिसाब से, ओके, उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला. 35 यानी फुल सेटिंग है उसकी, 40 यानी उसने पैसे के लाके पूरा डुबा दिया, ठीक है, उसका रहा था, ठीक है. नेक्स्ट इसमें आता हूँ, फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय सी. सर ते अवेलेबल वॉटर डेप्थच्या खाली खाली होणार, रेडिली अवेलेबल वॉटर डेप्थ, ठीक आहे सर. डी इज इक्वल टू 1, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर सपोज, consumption is equals to 1.2 centimeters per day agar hai. So frequency aapki kitni rahegi? dw by cu is equals to 12 by 1.2, that is centimeter, that is centimeter per day, yani aapko 10 din ke baad 5 डालना पड़ेगा, यानी 10 दिन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा. सपोज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी दैट इज डी डब्ल्यू, आपने अभी आपने अभी अभी यानी दैट इज 1 सितंबर, 1 सितंबर को पानी फिल किया, इरिगेशन कर दिया, तो ये फिर यूज हो जाएगा 10 सितंबर, 10 सितंबर को फिर से इरिगेट करना पड़ेगा, फिर यूज होगा 20 सितंबर, फिर आप इरिगेट करोगे, फिर ये जाएगा 30 सितंबर. For profit. So it is what guys, depends upon your consumption rate. वो consumption rate यानी consumptive rate के ऊपर depend है. ये consumptive rate के ऊपर depend है कि कितना consumption मेरा crop कर रहा है. यानी irrigation आपको every 10 days में करना पड़ेगा, every 10 days में करना पड़ेगा इसके लिए. ये just मैंने example लिया कि अगर मेरे DW कितनी है, DW मेरा readily available depth कितनी है, मेरी readily available depth मेरी अगर 12 centimeters है,
12 सेंटीमीटर सा, और मेरा जो क्रॉप है, क्रॉप यूज कितना कर रहा है, वाटर वाटर क्रॉप यूज कर रहा है 1.2 सेंटीमीटर पर डे, 1.2 सेंटीमीटर पर डे यूज कर रहा है. सो मेरी 10 डेज जो भी रहेंगी, 10 डेज मेरा मुझे मिलेगा. फिर 10 डेज के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इरीगेट, फिर से इरीगेट, फिर से इरीगेट. हाँ, उसमें कुछ लॉसेस भी रहेंगे. सो लॉसेस जो ये है, यानी सैचुरेटेड टू फिल कैपेसिटी, इस पे लॉसेस रहेंगे. लॉसेस क्या रहेंगे कि आपका इवेपोरेशन लॉसेस रहेगा, लीचिंग लॉसेस रहेगा, और आपके सैलिनेशन लॉसेस रहेंगे. तो ये सब लॉसेस हम कल देखते हैं कि इसके लॉसेस क्या रहेंगे, ये किस तरह रहेगा. आप यहाँ से यहाँ तक समझ लो कि दैट इज योर, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी एक फ्रीक्वेंसी हो, फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी हो, यहाँ से यहाँ तक आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी हो, इस तरह आप चलते जाओगे सामने. सब जाएगा बेस, यानी कहाँ तक चलते जाओगे, इसके बेस पीरियड तक. बेस पीरियड हार्वेस्टिंग, सॉरी आपका जो सोविंग टू हार्वेस्टिंग तक रहेगा, यानी हार्वेस्टिंग टू सोविंग क्या तक रहेगा, वो कल देखते हैं अपन की वो क्या रहेगा, किस तरह रहेगा, उसको भी मुझे अच्छे से आपको बताना है. ये आपको यहाँ तक समझ गया क्या, ये बताओ इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते. इसमें ये फ्रिक्वेंसी में कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते. फ्रिक्वेंसी के लिए ये चैप्टर था आपसे. सर इसमें कुछ मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट मतलब सर मुझे पानी कितनी रिक्वायरमेंट लगते है अपने कैलकुलेट कर सकते ना, टेम्परेचर इफेक्ट पण याच्या मध्ये ये ना त्याचा नेक्स्ट पार्ट आहे. डेल्टा ड्यूटी मध्ये आपण बघू, डेल्टा ड्यूटी आपण जेव्हा बघू ना तेव्हा आपण लॉसेस पण बघू, एफिशियन्सीज बघू, एफिशियन्सीज मध्ये ते येणार. तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवा की हे आपण काय काढलं, फ्रिक्वेन्सीज काढली, फक्त फ्रिक्वेन्सी काढली, आपण लॉसेस वगैरे काही नाही शिकू, लॉसेस आहे समोर. नेक्स्ट क्लास कर लेते गाइस.